11 जनवरी से शुरू हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह का बुधवार को समापन हुआ। इस दौरान दुर्ग जिले में यातायात जागरूकता के लिए उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिस व यातायात जवानों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं रंगोली पेंटिंग तथा एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स व विशेष सहयोग प्रदान करने वाले संस्थानों को पुरस्कृत किया गया। बताएंगे इस तरह आज ट्रैफिक अवेयरनेस वीक का समापन समारोह यहाँ पर किया गया। एक वीक के अंदर हमने नुक्कड़ के थ्रू फ्लैक्स लगा के स्कूल कॉलेज में जाके नगर हमारे हेडक्वार्टर में लगातार एक्टिविटीज़ की, जिससे जनता में ट्रैफिक के नियमों के बारे में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा। और कुछ निर्णय हमने लिए हैं कि आने वाले समय में जो भी एक्सीडेंट्स होगा उसमें जो भी इंस्टीट्यूशन कॉलेज दुकान RWA जो उनके जो संचालक होंगे उनके खिलाफ भी 304A के तहत कार्रवाई की जाएगी यदि वो ट्रैफिक नियमों को इन्फोर्स नहीं करते। सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस संस्था के वो हैं वो संस्था के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि उनके यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, उनके गाड़ी के सारे लाइट सही हों, उसमें 3 लोग ना बैठें, नाबालिग गाड़ी ना चलाएं, ड्रंकन ड्राइविंग ना करें। यदि ऐसा किया जाएगा तो उनके खिलाफ अब IPC मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी। घटना हो तो कब से लागू होगा ये? अब जो भी डेथ्स होंगी जिसमें 304A का FIR होगा उसमें विवेचना में यदि वो कॉलेज के स्टूडेंट या कॉलेज गेट से निकले हैं बिना हेलमेट के तो कॉलेज के जो संचालक होंगे ये होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ये तुरंत स्टार्ट किया जाएगा। IPC की धाराओं में 304A में FIR होता है, लेकिन अभी हम लिबरल रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी।